पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हड़कंप मचाया था, करोड़ों लोगों को जान गंवानी पड़ी। ऐसे में जैसे ही किसी नए वायरस का नाम सामने आता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। ताज़ा मामला मारबर्ग वायरस का है। दुनिया भर के ज़्यादातर देश कोरोना का कहर देख चुके हैं। कोरोना के कारण कई देशों को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, करोड़ों लोगों को अपनी जिंदगी तक गंवानी पड़ी। इससे दुनिया के कई देशों में आर्थिक नुकसान भी हुआ, जिंदगियां पटरी पर लौटने में लंबा वक्त लग गया। ऐसे में घाना में मारबर्ग वायरस के दो मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई। स्काई न्यूज़ के मुताबिक घाना में पिछले महीने दो लोगों की मौत हो गई थी। उनकी जांच रिपोर्ट अब सामने आई कि वह पॉजिटिव पाए गए। उनमें से एक की उम्र 26 साल और दूसरे की उम्र 51 साल बताई जा रही है। प्रशासन ने दोनों के संपर्क में आने वाले लोगों को आइसोलेट कर दिया है। हालांकि अब तक उन लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं दिखे। ये पहला मौका था जब पश्चिम अफ्रीकी देश घाना में इस वायरस के केस सामने आए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसे लेकर अलर्ट हो गया है। WHO अफ्रीका के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर नेथिडिजोसो मोइटी ने कहा कि हेल्थ अथॉरिटी इसे लेकर अलर्ट हो गई है, ताकि अगर वायरस तेजी से फैलता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। अगर मारबर्ग को लेकर तुरंत सावधानियां नहीं बरती गई तो इस वायरस के तेजी से फैलने पर हालात बेकाबू हो सकते हैं। WHO हेल्थ अथॉरिटी को मदद कर रहा है। हम हालात को नियंत्रण में करने के लिए अधिक से अधिक साधन मुहैया करा रहे हैं। इबोला जैसा खतरनाक है मारबर्ग। इबोला वायरस दुनिया में जानलेवा साबित हो चुका है। इबोला फिलोविडिया फैमिली से संबंध रखता है और मारबर्ग भी इसी फैमिली से आता है। ऐसे में ये दोनों ही वायरस काफी खतरनाक है। कहा जा रहा है मारबर्ग इबोला से भी ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाता है, इसलिए इस पर शुरुआत में काबू करना जरूरी है, नहीं तो ये घातक साबित हो सकता है। आपको बता दें, इबोला वायरस का मामला सबसे पहले 1976 में कांगो और सूडान में सामने आया था, लेकिन 2014 और 2016 के बीच पश्चिम अफ्रीका में इबोला का तेजी से संक्रमण देखने को मिला था और करीब 28,000 केस सामने आए थे। मारबर्ग के लक्षण क्या है? अगर कोई व्यक्ति मारबर्ग वायरस से संक्रमण होता है तो उसे बुखार हो सकता है। इसके अलावा तेज सिर दर्द, डायरिया, शरीर में दर्द, उल्टी, मल में खून आना जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं। इसके अलावा नाक की अन्य जगहों से भी खून का रिसाव हो सकता है, इसलिए जहां मारबर्ग वायरस का संक्रमण होता है उन इलाकों में लोगों में ये सिम्टम्स दिखने पर तुरंत डॉक्टरों से सलाह लेनी चाहिए और अपनी जांच करवानी चाहिए। मारबर्ग का पहला केस कब आया था? मारबर्ग वायरस का पहला केस 1968 में जर्मनी में सामने आया था, जब जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और बेलग्रेड में कुल 31 लोग इसकी चपेट में आ गए थे। इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय खुलासा हुआ था कि पहला व्यक्ति जो मारबर्ग से संक्रमित हुआ था उसमें संक्रमण एक अफ्रीकन ग्रीन बंदर के जरिए हुआ था। फिर 2021 सितंबर में इसके मामले अंगोला, कांगो, केन्या, दक्षिण अफ्रीका और युगांडा में देखने को मिले थे। चमगादड़ से मारबर्ग फैलने की आशंका। जब कोरोना वायरस पहली बार सामने आया तो कहा गया था कि इसकी शुरुआत चीन के वुहान से हुई थी, और ये भी कहा जाने लगा कि वुहान का मीट मार्केट ही कोरोना के प्रसार का कारण बना। हालांकि अब तक इस पर कयास लगाए जा रहे हैं, सच्चाई का पता लगाना बाकी है। लेकिन अब मारबर्ग के केस सामने आ चुके हैं और ये भी जानवरों के जरिए ही इंसानों में फैलता है, और चमगादड़ एक प्रमुख कारण हो सकता है। ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि उन गुफाओं में जाने से बचे जहां चमगादड़ रहते हैं। मारबर्ग से क्यों चिंतित है दुनिया? मारबर्ग वायरस इबोला जैसा खतरनाक है। इबोला का कहर दुनिया देख चुकी है। इबोला के बाद कोरोना भी कितना खतरनाक साबित हो चुका है ये भी हम सब जानते हैं। ऐसे में सबसे चिंता की बात यह है कि अब तक मारबर्ग का ना तो कोई इलाज है ना ही कोई वैक्सीन बनी है। मारबर्ग वायरस के पीड़ितों के इलाज के लिए दवा और इम्यूनिटी थेरेपी डेवलप की जा रही है। इसलिए मारबर्ग से हाल ही में घाना में दो मौत के बाद दुनिया भर में चिंता की लकीर खिंच गई है।